डॉक्टर रूपाली पार्लेवार एम्स बिलासपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि एम्स बिलासपुर में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग का कोविड-19 का टीकाकरण सत्र शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इस आयु वर्ग के लिए यह पहला सत्र है और केवल वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने भारत सरकार के कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। उन्होंने बताया कि यह गतिविधि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से संभव है। सत्र के दौरान कुल 86 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण सत्र प्रत्येक बुधवार को एम्स में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में एम्स में टीकाकरण सत्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को सेवाओं का लाभ मिल सके। कोविड-19 डिसीज के खिलाफ तो इसमें अभी तक हम 3 सेशंस कर चुके हैं। इससे पहले जो 2 सेशन थे वो थे जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने 2 सेशन दिए। पहले सेशन में 11 लोगों को वैक्सीन लगी थी और उसके अगले सेशन में 32 लोगों को वैक्सीन लगी थी। जो आज का हमारा सेशन है वो 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों के लिए। तो इस सेशन के लिए ज़रूरी है कि वो कोविन पोर्टल पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनको टाइम स्लॉट मिल जाता है। इसका समय होता है सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। जो रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर है यहाँ से हमें वैक्सीन अवेलेबल कराई जाती है, तो एम्स से जाकर हम वहाँ से वैक्सीन यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है आयुष ब्लॉक में, एम्स के कैंपस में।